बच्चों आज हम देखते हैं थ्योरम 10.4 क्लास 9th एनसीईआरटी पेज नंबर 174। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब कि यदि सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है किसी कॉर्ड पर और वो उस कॉर्ड को यदि बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो तो वो लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड ए बी पर। वृत्त के केंद्र से जीवा को सम विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ये कहा गया। तो गिवन है इन ए सर्कल एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ए बी। मिड पॉइंट का मतलब हो गया ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये हमें गिवन दिया हुआ। टू प्रूव करना है एंगल ए एम ओ, ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू बी एम ओ। प्रूफ करते हैं सेम ट्रेंगल लॉ वाले से। एनी ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए एम ओ एन ट्रेंगल बी एम ओ, दोनों ट्रेंगल में हम देखेंगे कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये क्या है रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ठीक है हमें दिया हुआ है। ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये क्या है गिवन है। एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है कॉमन है। हम देखेंगे दो ट्रेंगल हमारे पास जो हमने लिए हैं ए एम ओ, तो यहाँ पे भी एम ओ आ रहा है और यहाँ पे भी एम ओ आ रहा है, मतलब दोनों ट्रेंगल्स में ये कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंगल है हमारे पास ए एम ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल बी एम ओ बाई साइड 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 वाले रूल से कॉमन हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ बाई सी पी सी टी, ठीक है ये हो गया। अब ये इक्वल तो प्रूफ हो गए, लेकिन हमें ये भी तो प्रूफ करना है 90 डिग्री, तभी तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो कॉन्सेप्ट कहता है हमारे पास ये, नाउ ये जो एंगल है एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, जिसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना। वैसे सिंपल भी देख सकते हैं, मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन पे यदि उस पर एक रे खड़ी है तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन का सम स्ट्रेट लाइन ए बी या कॉर्ड ए बी, ऐसे कह सकते हैं, ये हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ आया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ लिख दूंगा इसको भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स एंगल ए एम ओ बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारे पास, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल सी थ्योरम थी। उसने सिंपल सा बोला था कि यदि इस किसी कॉर्ड पर अगर सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ करी जाती है और वो उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है, इट डिवाइडेड टू इंटू टू इक्वल पार्ट्स, देन वी हैव टू प्रूव ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ कॉर्ड ए बी। जस्ट सिंपली वी टेक टू ट्रायंगल्स दैट इज ए एम ओ एंड बी एम ओ, इन विच ए ओ इज इक्वल टू बी ओ रेडियो ऑफ ए सर्कल, ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन, ओ एम एंड ओ ओ एम इज इक्वल टू ओ एम विच इज कॉमन। नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम ओ बाई साइड 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 लॉ
आफ्टर द प्रूविंग कॉन्ग्रेंट ऑफ दीज ट्रेंगल्स वी कैन इजीली कंक्लूड दैट एंगल ए एम ओ इजक्वल टू एंगल बी एम ओ बाई सी पी सी टी. नाउ बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर एंगल वी है वी प्रूव्ड दैट एंगल ए एम ओ इजक्वल टू 90 डिग्री. थैंक यू.